अचला सचदेव की जीवनी। परिचय। अचला सचदेव एक अनुभवी भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 6 दशकों से अधिक समय तक अपने बहुमुखी प्रदर्शन से हिंदी सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। 1920 में पेशावर में जन्मी, उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में अपनी अभिनय यात्रा शुरू की और इंडस्ट्री में सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन माताओं और दादी में से एक बन गईं। अचला सचदेव के उल्लेखनीय करियर में उन्होंने 130 से अधिक फिल्मों में काम किया जिनमें कई क्लासिक फिल्में शामिल हैं जिन्होंने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह पक्की की। अचला सचदेव 3 मई 1920 30 अप्रैल 2012 एक भारतीय अभिनेत्री थी जो हिंदी भाषा फिल्म उद्योग की कई क्लासिक फिल्मों में दिखाई दी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की और बाद में हिंदी फिल्मों में माँ और दादी की भूमिकाएं निभाने के लिए प्रसिद्ध हुई। अचला सचदेव का सबसे यादगार अभिनय 1965 की फिल्म वक्त में बलराज साहनी की पत्नी के रूप में था। साहनी और उन पर फिल्माया गया फिल्म का गाना ओ मेरी जोहरा जबी को काफी लोकप्रियता मिली और इसके बाद उन्हें प्यार से जोहरा जबी कहा जाने लगा। 1995 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में काजोल की दादी की एक और प्रतिष्ठित भूमिका थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 1920 में पेशावर में जन्मे सचदेव ने 1938 में फैशनेबल वाइफ के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। कई दशकों के अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने 130 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। अचला सचदेव निर्देशक यश चोपड़ा की पसंदीदा थी और उन्हें उनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म दाग द पोएम ऑफ लव में दिखाया गया था। उनके कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्यों में मेरा नाम जोकर, जूली, हकीकत और अंग्रेजी फिल्में 9 Hours to Rama और द हाउसहोल्डर शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म 2002 में रिलीज हुई फिल्म ना तुम जानो ना हम थी जिसमें ऋतिक रोशन और ईशा देओल ने अभिनय किया था। आजीविका। अचला सचदेव ने भारत के विभाजन से पहले लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो और बाद में दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। उन्होंने 1938 में फैशनेबल वाइफ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अपने शानदार करियर के दौरान 130 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। अचला सचदेव का यशराज फिल्म्स के साथ लंबे समय तक जुड़ाव रहा जिसकी शुरुआत 1973 में यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म दाग ए पोएम ऑफ लव से हुई। बाद में वह यशराज की अन्य प्रस्तुतियों जैसे चांदनी 1989 और प्रतिष्ठित दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में दिखाई दी। उनकी कुछ अन्य उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में प्रेम पुजारी, मेरा नाम जोकर, हरे रामा हरे कृष्णा और अंदाज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मार्क रॉबसन की 9 Hours to Rama 1963 और मर्चेंट आइवरी की द हाउसहोल्डर 1963 जैसी अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। अचला सचदेव क्लिफोर्ड डगलस पीटर्स से शादी करने के बाद पुणे की निवासी बन गई जो शहर के भोसारी औद्योगिक एस्टेट में मॉरिस इलेक्ट्रॉनिक्स नामक फैक्ट्री के मालिक थे। डायोड जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने वाली इस फैक्ट्री को बाद में पीरामल ग्रुप को बेच दिया गया। घटनाओं के एक दिलचस्प मोड़ में अचला सचदेव को मुंबई में एक फिल्म के सेट पर निर्देशक यश चोपड़ा ने पीटर्स, एक मैकेनिकल इंजीनियर और विधुर से मिलवाया था। उस समय अचला सचदेव खुद तलाकशुदा थी और अंततः दोनों ने शादी कर ली। हडपसर में शिफ्ट होने से पहले यह जोड़ा भोसरी में एक बंगले में रहता था। पीटर्स के निधन के बाद अचला पुणे में अकेली रहने लगी। अपने निधन से 5 साल पहले उन्होंने अपना फ्लैट एक धर्मार्थ संगठन जनसेवा फाउंडेशन को इस शर्त पर दान कर दिया था कि वे जीवन भर उनकी देखभाल करेंगे। सितम्बर 2011 में अचला सचदेव अपनी रसोई में गिर गईं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। अचला सचदेव पिछले सितंबर 2011 में रसोई में गिरने के कारण पैर फ्रैक्चर होने के बाद पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती थी।
क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की मरीज अचला सचदेव पिछले एक दशक से पूना क्लब के पास अकेली रह रही थी। उन्हें जनसेवा फाउंडेशन द्वारा प्रदान की गई एक नाइट अटेंडेंट द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, एक संगठन जिसे उन्होंने अचला सचदेव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शुरू करने के लिए धन दान किया था और अपना घर स्थानांतरित किया था। संस्थान आदिवासी क्षेत्रों के व्यक्तियों को बुनियादी अस्पताल और रोगी संबंधी देखभाल में प्रशिक्षित करता है। इसके बाद उसे कई मस्तिष्क एम्बोलिज्म का पता चला, जिससे पूर्ण पक्षाघात और दृष्टि की हानि हुई। निष्कर्ष: अचला सचदेव की यात्रा 30 अप्रैल 2012 को समाप्त हो गई, जब 92 वर्ष की आयु में पुणे में श्वसन विफलता के कारण उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत उनकी यादगार भूमिकाओं के माध्यम से जीवित है, विशेष रूप से प्रतिष्ठित फिल्म में बलराज साहनी की पत्नी के रूप में ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वक्त और काजोल की दादी। भारतीय सिनेमा में अचला सचदेव का योगदान उनकी अभिनय क्षमता तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल में प्रशिक्षित करने के लिए अचला सचदेव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना करते हुए अपना समय और संसाधन परोपकारी प्रयासों के लिए समर्पित किया। अपनी गर्मजोशी, शालीनता और स्थायी प्रदर्शन के साथ अचला सचदेव को हमेशा हिंदी सिनेमा के सच्चे कुलपतियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा।